आप ज़रा अपनी ज़िंदगी के बारे में तो बताएं कि जब आप वहाँ से कहाँ से अंदरून सिंह किस जगह से आए थे? टंडो जाम खटियान। चलो बताते हैं, टंडो जाम खटियान से आए थे तकरीबन 1991 में। उसके बाद इसी इलाके में हम लोग रहे, छपरा होटल नूरियाबाद के इलाके। अच्छा, अभी 2020 में मेहमू साहब के यहाँ आए, 2 साल हो गए तकरीबन, ये ज़मीन का काम कर रहे हैं, बैठे हुए हैं साहब के पास। अब आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम प्यारा। और अपना दीन धर्म के बारे में बताएं। सनातन धर्म से प्यारा राठौड़ा। तो आपका मंदिर कहाँ पे है? हमारा मंदिर एक तो इंगलाज की तरफ है, एक कंडोला यार में, और एक इधर हमारा छोटा घर पे बना हुआ। अच्छा, आपके भी बच्चे? भी है, दो बच्चे। अच्छा, इधर कोई स्कूल का इंतजाम है? हाँ, कमांडर सिटी में बच्चे पढ़ रहे हैं। अच्छा, कमांडर सिटी में बच्चे पढ़ रहे हैं। तो आपका वालिद क्या करता था? वो भी ये ज़मीन का काम करता था, लेकिन 2019 में वो इंतकाल हो गया। अभी आप कितने भाई हो? 4। बाकी 3 भाई कहाँ हैं? 3 भाई एक खेत मजदूर के हालात कार क्या हैं। तो मैं आज इस सिलसिले में एक हिंदू काश्तकार थे जिसे आमतौर पर बागड़ी कहते हैं, इससे मुलाकात हुई। ये खेतों के लिए बड़े मेहनती माने जाते हैं और ज़मींदार लोग इनको बड़ी खुशी खुशी से सिंध और पंजाब में अपने खेतों पर रखते हैं। ये सिंधी नहीं बोलते बल्कि राजस्थानी बोलते हैं। बड़ा वो भी ज़मीन का काम करता है, या अमीन साहब PTN वाले के पास। अच्छा, और सबसे बड़ा वो ड्राइवर मजदा गाड़ी का। हाँ, मैं इधर में अमीन साहब के पास। अच्छा, तो आपके महीने में आमदनी कितनी हो जाती होगी? आमदनी फसल के ऊपर, अगर भाव सही मिल गया, फसल सही निकल आई, तो फिर महीने का हिसाब से नहीं। हमारा ये काफ़ी लंबा फसल है, नहीं 6 महीने का। ये भी 6 का, गंदम जो वो 4 महीने की होती है, तो इसमें सही गुजारा हो जाता है हमारा। अच्छा, लेकिन ये है कि अभी महंगाई भी बहुत है, खर्चे भी बहुत हो गए, जमीन खर्चे भी बहुत हो गए, यूरिया खाद वगैरह काफ़ी महंगी हो गई, तो उसमें प्रॉफिट कम हो गया है। जी हाँ, देखिए भी ज़्यादा आ रहा है। हमारा 20,000 का बीज जहाँ लगता था कपास का, अभी इस बार वही बीज 50,000 से ज़्यादा लग गया। अच्छा, इतना फर्क आ गया। DAP की बोरी 11,000 की होगी, 10.5 की। अच्छा, यूरिया 3500 की बोरी होगी। अच्छा, काफ़ी महंगाई की होगी। आपने कहाँ तक तालीम हासिल की है? मैंने नहीं की। अच्छा, आपके भाइयों ने? हाँ, छोटे भाई ने की। अच्छा, और मेरे बच्चे हैं वो अभी कमांडर सिटी में, बेटा एक ही है वो पढ़ रहा है। कौन सी क्लास में पढ़ रहा है? दूसरी में। उसको आगे पढ़ाने का इरादा है या उसे खेती बाड़ी में लाना? नहीं, इरादा है। अच्छा, तो मैंने टंडो जाम खटियान तो देखा हुआ है, अच्छा खूबसूरत इलाका है, तो वहाँ से क्यों चले आए? वहाँ से काफ़ी टाइम हो गया। क्यों चले आए? हम छोटे थे ना, जब अबू वाले आ गए, हम काफ़ी छोटे, तो ज़मींदारों से बनी नहीं होगी शायद, ये वहाँ के काम में कुछ आमदनी नहीं आई होगी, इसीलिए इधर निकल आए, फिर ये मजदूरी के हिसाब से रहेंगे, काफ़ी टाइम हो गया। आप लोग अपने घर में कौन सी जबान बोलते हैं? मारवाड़ी बोलते हैं। तो मारवाड़ी में थोड़ा सा अपना तारुफ करें। नौ प्यारो है, चारों राठौड़ो, मुड़ियो जातरो, बेरा डिकरो, कंडो जाम खटौन बैठो, हणे बैठो अमीर साहब। और थोड़ा सा बोलें ताकि लोगों को समझ में आए कि मारवाड़ी कौन सी जबान है। मारवाड़ी बटे किस्म की जबान है, एक थरी जबान है। हाँ, मोरी है मारवाड़ी, राजस्थानी, गुजराती, मलयाली, काफ़ी जबानों में सही है। अच्छा, महंगाई के बारे में मारवाड़ी जबान में तबसरा करें। महंगाई अलग हो रही, पहले कहूँ आमदनी घट है, खर्चों भी ज़्यादा है, महंगाई काफ़ी आटो मना 6,500 रुपये मण हो, कौन चो हर शय महंगी हो गई ना, गरीब मानों को गुजारो मुश्किल है सब। ये मारवाड़ी में बोल मेला माल का जब भी अवाम सामू गवर्नमेंट अपील है, तो रेट चावल आटा घट करे राशन, ये मारवाड़ी। अच्छा, यहाँ पे TV वगैरह की सहूलत है आपके पास? यहाँ नहीं, यहाँ मोबाइल चलता है। मोबाइल चलता है। तो मोबाइल आपके पास स्मार्ट है या सादा है? सादा है। तो प्यारो खान, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। शुक्रिया। बाद में हम दोस्तों ने अपना ग्रुप फ़ोटो बनाया ताकि फार्म हाउस के विज़िट को यादगार बनाया जा सके। मेहरबानी करके वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।